अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल? उम्मीद है आप सब खैरियत के साथ होंगे और एक अच्छे प्रॉफिट में भी होंगे। जैसा कि आपको पता है, मैंने आपको कल की प्रेडिक्शन दी थी, जिसमें मैंने आपको कहा था कि गोल्ड मार्केट जो है वो सेल अपॉर्चुनिटीज़ में कल ज़्यादा चांसेस हैं कि वो सेल जाए। उसका रीज़न भी मैंने आपको बताया था कि मेन जो उसका रीज़न है कि जो प्रीवियस डे की कैंडल थी, बुध वाले दिन की जो कैंडल थी, ठीक है, वेनसडे वाली, उसमें कुछ ख़ास बायर्स मौजूद नहीं थे। इस वजह से नेक्स्ट डे इतना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे कि मार्केट बहुत ज़्यादा बुलिश हो सकती है, इसलिए रिवर्सल पॉसिबिलिटीज़ रिवर्सल की ज़्यादा थी। बाकी मैं एक और बात करना चाहूँगा कि आप मेरा पेड ग्रुप फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसके लिए जस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में चेक करना है, 3 से 4 ब्रोकर्स के लिंक दिए हुए हैं। आप उनमें से किसी एक पे अकाउंट बना लें या पहले से मौजूद अकाउंट का आईबी चेंज कर लें, और मिनिमम सिर्फ $100 का आपका डिपॉजिट होना चाहिए। लाजमी बात है, आपने काम भी तो करना है, तो जब आप ये कर लें तो मुझे व्हाट्सअप कर दें, मैं आपको ऐड कर दूँगा। बाकी आज के डे की प्रेडिक्शन देखें, क्योंकि कल का डे की कैंडल जो क्लोज हुई है वो ऑलरेडी बीरिश क्लोज हुई है, मगर उसमें सेलर्स इतने ख़ास मौजूद नहीं थे। मगर जो कल की कैंडल क्लोज हुई है उसने प्रीवियस डे की भी लो लिया हुआ था, और आज के डे की कैंडल ने तकरीबन कल के डे का लो ले लिया, ठीक है। तो आज ओवरऑल सिचुएशन, तो क्योंकि हमें रिवर्सल शॉर्ट टर्म में कह सकते हैं कि हमें रिवर्सल मिल चुका है, मार्केट जो है वो सेल जा सकती है, मगर सेल जाती मार्केट में एंट्री भी तो चाहिए कि एंट्री में हम कहाँ पे साथ मिल सकें। तो देखें, एक तो पॉइंट मौजूद जो है वो पड़ा हुआ है ऊपर तकरीबन ये 2000, जो मैं बेहतर पॉइंट समझता हूँ, 2031 का जो लेवल है और 2031 और मैक्सिमम जो स्टॉप लॉस है वो 2036 है। दोबारा रिपीट करूंगा, 2036 मैक्सिमम स्टॉप लॉस है और एंट्री लेवल 2031, ठीक है, 31 का जो है वो एंट्री पॉइंट है। ये तो एक वो पॉइंट है जहां से आप सेल कर सकते हो और 2036 का सेल लगा सकते हो। पहला लेवल आपके पास ये है, सेकंड लेवल जो है आपके पास जहां पे भी मौजूद है 2027। मतलब ओवरऑल सिचुएशन में अगर मैं आपको कहूँ, तो आप 2027 और 2031 दोनों से सेल कर सकते हैं, ठीक है, दोनों लेवल आपके सेलिंग लेवल हैं, ठीक है, और आप इनका मैक्सिमम जो स्टॉप लॉस रखेंगे वो 2036 रखेंगे, और आपका ये जो टेक प्रॉफिट होगा, जो आज के दिन का जो भी लो लगा होगा, ठीक है, फॉर एग्जांपल मार्केट अभी 2018 पे है तो यही लो लगा के ऊपर जाती है, तो आप इस 2018 को एज ए टारगेट यूज़ करोगे। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जो भी लो लगा होगा करंट सिचुएशन में, उस लो को आपने टारगेट एज ए टारगेट यूज़ करना है। 2018 है, 2017 है, जो भी लो लगेगा उसको एज ए टारगेट आप यूज़ कर सकते हैं। ये एक सिंपल से एनालिसिस थे, ठीक है, जो आपके लिए मेरे अंदर से इतने मुश्किल नहीं है। 2027 और 31 दो ऐसे जोन है जिनसे आप सेलिंग कर सकते हैं, ठीक है। एक तो जोन आपके पास, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये वाला बनता है, ठीक है, इस कैंडल ने प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी ली हुई है तो ये एक वैलिड जोन के तौर पे यूज़ हो सकता है, और एक ये भी हो सकती है कैंडल। ये दोनों जोन जो है वो सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ में यूज़ हो सकते हैं, क्योंकि आज का दिन जो है वो हमें दिखा रहा है कि मार्केट जो है वो सेल साइड जा सकती है, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। नीचे व्हाट्सअप ग्रुप की लिंक दिया हुआ है, कोशिश करें व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन कर लें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।